नमस्कार, पॉपुलर पर्सनालिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप शिखर प्रजापति। पर्सनालिटी ऑफ द वीक में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी से। उनसे हम जानेंगे समाज राजनीतिक पहलुओं और उनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में। सर, आपका हमारे प्रोग्राम पर्सनालिटी ऑफ द वीक में आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक करियर के बारे में। आपको किससे प्रेरणा मिली कि राजनीति में कदम रखना चाहिए? देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र था और दुर्भाग्य से मेरी माताजी का निधन हो गया। और माताजी बहुत ही कम उम्र की थी, 40वां साल उन्हें था। हम लोग 4 भाई हैं, तो उस स्थिति में घर धर्मशाला बन गया। घर में मन नहीं लगता था और मैं उसी दौरान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद विश्वविद्यालय में गया था। तो कुछ दोस्तों में बैठ के बातें चली और स्वर्गीय हेमवती नंदन भगुना, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे और इलाहाबाद की राजनीति में एक उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, उनके सानिध्य में उसी दौरान आना हुआ और विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से मैंने अपनी छात्र राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर प्रदेश में उस समय हेमवती नंदन बहुना जी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी हुआ करती थी, तो मुझे उसकी CFD एक ब्रांच थी उसका, उन्होंने राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव बनने का मौका मिला। फिर बहुना जी, क्योंकि मैं बेसिकली बहुना जी के सानिध्य में आके उनके संपर्क में आके मैं राजनीति में आया और उनके कार्यशैली की आज भी मेरे अंदर अमिट छाप है। जो बहुना जी के जिस तरह से उनका काम करने का तरीका था, जिस तरह वो कार्यकर्ताओं को एक स्नेह दिया करते थे। फिर जहाँ बहुना जी के साथ एक बड़ी लंबी यात्रा की, लोकदल में प्रदेश महामंत्री रहा, उसके बाद 89 में बहुना जी का निधन होने के बाद हम सब लोग कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में भी मैं प्रदेश ट्रांजिट कमेटी बनी थी, उत्तराखंड कांग्रेस ट्रांजिट कमेटी, उसका जनरल सेक्रेटरी प्रदेश रहा। फिर प्रदेश जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा जी। फिर राज्य बनने के बाद राज्य में मैंने विभिन्न पदों पर, प्रदेश के पदों पर काम करने के साथ साथ कई बार टिकट कटे लेकिन धैर्य नहीं खोया। 1996 में टिकट दिया तो मेरा सिंबल इन्होंने डिले कर दिया, मेरा नामांकन रद्द हो गया। 2002 से उसके बाद मैं चुनाव जीत में टिकट में पहली बार चुनाव लड़ा और लगातार जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुना से प्रेरित होकर हम लोग राजनीति में आए और बहुना जी का नौजवानों के प्रति एक बहुत बड़ा उनका स्नेह रहा। और मैंने ऐतिहासिक चुनाव 1981 का भी देखा, जिसमें हम लोग विश्वविद्यालय में छोटे बच्चे थे लेकिन चले गए, बहुत पॉलिटिकल समझ नहीं थी, लेकिन उस ऐतिहासिक चुनाव में जिसमें खुला एक लोकतंत्र का की हत्या करने का प्रयास किया गया था, उसके बावजूद गढ़वाल की जनता ने हेमवती नंदन बहुना जी को बहुत भारी मतों से चुनाव जिताया था। तो वो संघर्ष करने की भावना वहाँ से आई और चलते चलते जनता का प्यार मिला। मैंने आपसे कहा कि 2002 में नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में मैं मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। फिर बहुना जी जब मुख्यमंत्री बने तो मैं समझता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मेरी भागीदारी बड़ी प्रमुख थी। और फिर भारतीय जनता पार्टी में जब आपको ध्यान होगा, हरीश रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर चला गया था, माफियाओं का राज हो गया था, ऐसी स्थिति में हम 10-12 लोगों ने रिवोल्ट किया था और रिवोल्ट करके हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और एक संकल्प के साथ शामिल हुए थे कि हरीश रावत की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ना है। और उस संकल्प को हमने ऐसा पूरा करवाया कि 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और मात्र 11 सीट पर कांग्रेस सिमट गई थी और हरीश रावत जी दोनों सीट से हार गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुझे कृषि मंत्री, उद्यान मंत्री और तमाम विभागों के साथ सरकार में शामिल होने का अवसर मिला। और मुझे खुशी है कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली उस जिम्मेदारी का 4 वर्षों से मैं बड़ा अपनी
जो हमारे मेरे कर्तव्य हैं उस कर्तव्य बोध की भावना से उसका निर्वहन कर रहा हूँ। इसी बीच आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपका जो पहला चुनाव था उससे जुड़ा कोई संस्मरण जो आप बताना चाहें। देखिए, चुनाव में अनगिनत संस्मरण होते हैं, और क्योंकि उस समय चुनाव जब आदमी लड़ता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, एक सकारात्मक सोच के साथ, कि मुझे जनता का विश्वास जीतना है। और उस जनता को विश्वास जीतने की और उस टारगेट को लेकर हम लोग चलते हैं, तो मैं समझता हूँ वो हमेशा विस्मरण नहीं रहता है जब भी आप चुनाव लड़ोगे। आप कहते हैं कि किसान और उपभोक्ता के बीच बिचौलिए खत्म होंगे, ये कैसे होगा, इसके लिए क्या कदम उठाए? देखिए, किसान जब तक बिचौलिया रहेगा किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। जैसे मैं पौड़ी जनपद का प्रभारी मंत्री था जी। तो मुझे वहाँ मालूम हुआ कि जो मंडुआ किसान पैदा करता है मिलेट्स, जिसको आपके यहाँ रागी बोलते हैं यहाँ पे, तो ये मिलेट्स, मैं जाड़ों में हमेशा मंडुए की रोटी खाता हूँ। मार्केट में मैं आटा 40 रुपए किलो खरीदता था, जब मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सर यहाँ पे 11 रुपए किलो आड़ती सीधे सीधे किसान से मंडुआ खरीद रहा है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पैदा करने वाले को 11 रुपया, खाने वाले को 40 रुपया, तो आखिर ये बीज का 29 रुपया कहाँ जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने देश के अंदर, हम पहला राज्य बने जिन्होंने चाहे वो रागी हो, चाहे वो सांवा हो, चाहे वो चौलाई हो, इस तरह के मिल्ट उत्पादनों खरीदने के लिए हमने मंडी परिषद में कॉर्पस फंड बनाया और सीधे सीधे मंडी परिषद के माध्यम से किसान से MSP के आधार पर खरीदना शुरू किया। तो किसान को वही जो 11 रुपए मंडुआ खरीदता था आरती, उसके 28 मिलने लगे, जो चौलाई 34 बिक रही थी वो जाके 64 में बिकने लगी। तो उसके बाद ये पहले साल हमने इसको मंडी परिषद में मैकेनिज्म शुरू किया, अगले साल हम लोगों ने इस मैकेनिज्म को कोऑपरेटिव, राज्य की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से भी हम उत्पाद खरीदने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि हमारे राज्य में बागवानी उत्पाद की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और क्योंकि हमारे राज्य में पहाड़ के जो 9 जिले हैं उनमें बागवानी का उत्पाद ज़्यादा है, तो अब अपने हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को अपने बना करके उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और यही मैकेनिज्म हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ला रहे हैं कि ताकि जो हमारे बागवानी उत्पाद हैं उनको सीधे सीधे मार्केटिंग बोर्ड खरीदे और ये मार्केटिंग करे। तीसरा, हम लोग 6400 समूहों पर काम कर रहे हैं राज्य में, जिसमें हम उन 20 हेक्टेयर का एक समूह है, और हम उन समूह में एक समूह को 10 लाख रुपए का इनपुट देते हैं कृषि क्षेत्र में। उस समूह में जो उत्पाद होगा उसके लिए हम 1300 आउटलेट्स बना रहे हैं अपने राज्य में, और सीधे सीधे हमारा 5 समूह को एक आउटलेट देने का प्लान योजना है, जिसमें वो समूह अपने सारे उत्पाद को सीधे सीधे उन दुकानों के माध्यम से बेचने का काम करे। क्योंकि हमारे राज्य में अगर आपको ध्यान होगा 7 करोड़ टूरिस्ट प्रति साल पर ईयर आता है, तो हमने 7 करोड़ टूरिस्ट पर फोकस किया कि इस 7 करोड़ टूरिस्ट को हम कैसे उत्तराखंड के जैविक उत्पाद को उस तक पहुंचा सकें और किसान को उसका सीधे फायदा मिल सके, इसलिए आउटलेट के कंसेप्ट हम काम कर रहे हैं। हमने तमाम करीबन 100 से ज़्यादा रिफॉर्म्स किए कि किसान की आय, क्योंकि फॉर्चुनेटली जब हमारी सरकार बनी उसी दौरान मोदी जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करने का काम शुरू किया, और उन्होंने कहा, एक नारा दिया था, किसान की आय को दुगना करना जी। और किसान की आय को दोगुना करने का जब मोदी जी का एक संकल्प था, इसमें भारत सरकार से हमें बड़ी मदद मिली और बड़ी बड़ी योजनाएं हमको लेने में सफलता मिली। लेकिन हमारा फोकस ये था, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर राज्य निर्माण के बाद जी। 2000 में राज्य बना और 2017 में हमारी ये सरकार बनी थी, मुझे कृषि मंत्रालय मिला, तो जब उसकी मैं समीक्षा किया तो 17 वर्षों में राज्य निर्माण के बाद 15% कृषि भूमि में कमी आई, और 15% किसी भूमि में कमी आई तो निश्चित रूप से बड़ा अलार्मिंग था जी। इसका मतलब किसान अगर उदासीनता दिखा रहा है तो धीरे धीरे करके तो राज्य हमारा खाली हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी हमारे राज्य की समस्या है वो पलायन की है। तो हमारा ये था कि पलायन को कैसे रोकें, तो उसके लिए हम लोगों ने एक अपना जो एक्शन प्लान बनाया कि इस एक्शन प्लान में कैसे हम किसान को उसकी उत्पादकता बढ़ा करके उसकी कमाई बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में हमारे यहाँ 92% जो किसान हैं वो छोटा और मंझला किसान है, जिसके पास बहुत कम जमीन है, पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे से जमीन कर होती गई, तो वो जो शुरुआत में आज से 3 पीढ़ी पहले उत्पाद होता था उतनी जमीन पे, वो जमीन जब 4 परिवारों में बंट गई 3 पीढ़ियों में, तो कहीं ना कहीं उत्पाद में भी कमी आएगी। तो हमने उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस किया, उसके लिए हमने एक संकल्प लिया कि हम नए टेक्नोलॉजी के साथ जो कृषि यंत्र हैं वो किसान तक पहुँचाएँ, और हमने अपने राज्य में 80% सब्सिडी पे कृषि यंत्र देने की काम प्रारंभ किया।
और साथ ही साथ एक संकल्प था कि हमारी हमारे राज्य में 670 न्याय पंचायतें हैं। हमारा ये एक संकल्प था कि हमें 5 साल में राज्य के सभी न्याय पंचायतों में फार्म्स मशीनरी बैंक स्थापित करना, जिससे कि किसानों को उस बैंक के माध्यम से जो उसके उस न्याय पंचायत के गांव किसान नई तकनीक के कृषि यंत्र ले सके। 670 का 5 वर्ष का संकल्प, मुझे खुशी एक बात थी कि हमने 3 वर्षों में ही 1556 फार्म्स मशीनरी बैंक राज्य में स्थापित किए, सैकड़ों की संख्या में कस्टम हायर सेंटर स्थापित किए, पावर बीडर्स, पावर ट्रेलर्स और तमाम तरह के कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी देकर किसानों तक पहुंचाने का काम किया। उसका नतीजा ये मिला कि आप देखिए वर्ष 2017-18 और आप अगर आप चलेंगे दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 18-19 में, हम दोनों ही साल पूरे देश में उत्पादकता में पहले स्थान पर आए और हम लोगों को लगातार दोनों साल अवार्ड मिला, कृषि कर्मणा अवार्ड मिला, जिससे कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं लगा कि कृषि क्षेत्र में कुछ हुआ है। अब दूसरा प्रश्न था, आपने उत्पादकता बढ़ा दी, उत्पादकता बढ़ाने के बाद आपको उनको क्वालिटी सीड मिल जाए, उनको खाद समय पर मिल जाए, उनको दवा समय पर मिल जाए, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने बाकायदा एक एक्शन प्लान बनाया कि इस समय तक आपको हर हालत में खाद देनी पड़ेगी, इस आप टाइमली उनको सब चीज़ें जब इनपुट पहुंचा तो उसका भी असर किसान पे पड़ा। तीसरा था उसको कटिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज का दें, तो हमने कलेक्शन सेंटर्स पे और कृषि निवेश केंद्रों पर फोकस किया और साथ ही साथ बागवानी के उत्पाद के क्षेत्र में सीए स्टोर्स पे फोकस किया और हमने दो सीए स्टोर बनाए जहाँ पर हमारा सेब का उत्पादन बहुत ज़्यादा था, उससे किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज दी, दो तीन हमने नई मंडियां बनाई और साथ में ये फोकस था कि किसान को किस तरह से उसके दाम उसके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके। तो हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट मिलेट्स पर अपने मंडी में बनाई और उसमें हमारा ये था कि मंडी के माध्यम से जो हम परचेज कर रहे थे मिलेट्स जो आपको मैंने बताया उसकी प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करके अगर उत्पाद को बेचेगा जितना प्रॉफिट होगा वो वापस किसानों को बांट दिया जाएगा। इसी तरह हमने हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी अपना प्रारंभ किया कि हम हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी इस तरह काम करेंगे। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम नाबार्ड की मदद से हम लोग इस समय जो है काफ़ी संख्या में कोल्ड रूम्स बनाने जा रहे हैं ताकि जो हमारा पेरिसिबल आइटम है, क्योंकि बागवानी उत्पाद में अगर आप देखेंगे तो पानी की मात्रा बहुत होती है और वो पानी की मात्रा पे अगर उत्पाद उसका 2-3 दिन रखा रह गया तो कहीं ना कहीं उसका वेट गिर जाता है, ऐसी स्थिति में किसान को नुकसान होना निश्चित ही था। तो अब हम छोटे स्तर पर न्याय पंचायत स्तर पर हम कोल्ड रूम्स बना रहे हैं 30 मैट्रिक टन की क्षमता के, ताकि उतना इलाके का उतना उत्पाद उसको वहाँ पर सुरक्षा मिल सके। तो 100 से ज़्यादा रिफॉर्म्स थे, चाहे हमारे यहाँ राज्य में जब हम लोगों ने सरकार बनी 8% राज्य की कुल कृषि भूमि में 8% भूमि में हम लोग जैविक खेती करते थे। आज मुझे खुशी है कि हम बहुत कम समय में हम देश में सर्वाधिक 34% भूमि पर हम जैविक खेती कर रहे हैं और इस वर्ष हमारा जो टारगेट है वो इलेक्शन से पहले पहले 50% तक पहुंचने का है। अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव है, उत्तराखंड में हाल ही में 3 CM बदलाए जा चुके हैं, तो आप जनता में किस तरह से विश्वास आप जगाएंगे कि आने वाले जो सीएम हो या जो सीएम रहेंगे, मतलब वो 5 साल कंटिन्यू चलेंगे। दीपशिका जी, देखिए दल और व्यक्ति बहुत अंतर होता है। केजरीवाल जी सरकार चला रहे हैं, वो सरकार केजरीवाल जी की नीतियों पर चल रही है। करुणानिधि हों, चंद्रबाबू नायडू साहब रहे हों, बादल साहब हों, आपका रामाचंद्रन जी रहे हों, जयललिता रही हों, रामा राव रहे हों, ये सरकार व्यक्ति पर आधारित सरकारें थी, व्यक्ति की नीति ही सरकार की नीति थी। राष्ट्रीय दल चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये राष्ट्रीय नीति इनकी अपनी है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है और चुनाव में इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। तो 2017 में जिन नीतियों के साथ, जिन कार्यक्रमों के साथ, जिस चुनाव घोषणा पत्र के साथ हम जनता में गए थे, चेहरे बदले लेकिन उन्हीं नीतियों के साथ उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ा के चुनाव घोषणा पत्र का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं कि उसको हम किस तरह एग्जीक्यूट करें। तो लिहाजा चेहरे बदलने से राष्ट्रीय दलों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि
उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम और चुनाव घोषणा जनता के साथ जो उन्होंने वादे किए थे उनके क्रियान्वयन की पार्टी की सोच क्या है, जनता इस पे अपना निर्णय लेती है। तो मैंने समझता कि चेहरा बदलने से कोई परिवर्तन आने वाला है जी। लेकिन हाल ही में अब जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा, तो बीजेपी में आने के बाद क्या आप उसमें चेंजेस देख रहे हैं पार्टी में? देखिए आपको मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस में रहा और मैं मध्य प्रदेश में भी प्रभारी के तौर पर मुझे दो बार आने का अवसर मिले और मैं 2 महीना लगातार मध्य प्रदेश में रहा जी। तो मैंने उस समय मैं कांग्रेस का प्रभारी था तो काफ़ी 2 महीने में मैं काफ़ी घूमा, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश की। तो जो मुझे कुल मिला के लगा, मैंने उसके बाद जब रिपोर्ट सबमिट की थी आई के बार को, तो मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में अगर शिवराज चौहान जी का मुकाबला करना है तो कांग्रेस को ज्योतिराव सिंधिया जी के नेतृत्व में चुनाव में जाना चाहिए। साल भर तक उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और इलेक्शन तक जब उनको मेरी बात ठीक लगी तो ठीक 1 महीना पहले चुनाव घोषित होते ही इन्होंने सिंधिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम गलत निकला। और शिवराज जी की लोकप्रियता मैं उस समय जब देखा तो हर जाति में बड़े लोकप्रिय थे जी। तो आज शिवराज जी और सिंधिया जी का एक होना जी। ये कांग्रेस की विदाई का संकेत है। ये दो ताकतें ही मध्य प्रदेश में थी, ये दो इन दोनों ताकतों का मेल जी। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और आप यकीन मानिए आने वाले समय में कांग्रेस इस राज से उत्साहमूल नष्ट हो जाएगी। वही अगला सवाल है कि जो मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, आपके खास मित्र हैं, ऐसा मतलब सुनने में है कि आपके खास मित्र। देखिए मेरे सभी मित्र भी, आपसे भी दोस्ती हुई, आप भी मित्र हैं, ये सभी मित्र हैं। देखिए संबंधों से राजनीति के ऊपर व्यक्तिगत संबंध होते हैं, दलगत मैंने मेरा कार्य करने का तरीका हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की बातों को सुन के उनको सुलझाने का रहा है। और व्यक्ति किसी भी दल में हो अगर कोई व्यक्ति पसंद आ जाए तो उसे मित्रता हो जाती है। वहीं आपसे व्यक्तिगत कुछ सवाल मैं करना चाहूंगी, आपका जैसे आप इतने उलझे हुए रहते हैं राजनीति में, तो ऐसे कौन से मतलब चंद पल में आप कौन सी जगह आप घूमना जाना पसंद करते होंगे, ऐसी कौन सी आपकी पसंदीदा जगह? देखिए हम लोगों की आदत है जितना बिजी रहेंगे उतना खुश रहते हैं, जब खाली बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बुखार आ जाता है, सरदर्द हो जाता है। तो आज भी यहाँ पर भी आपने देखा, कल से लेके आज तक भोपाल में तमाम लोगों का प्रेम मिला, मुलाकात करने का अवसर मिला, अभी उत्तराखंड के भी काफ़ी सैकड़ों लोग आए थे, उन लोगों से मुलाकात हुई। तो हम लोगों क्योंकि अपने को हम लोगों ने सामाजिक जीवन में ढाल दिया, तो सामाजिक जीवन में जाने के बाद जो मेरा अपना काम करने का तरीका, मैं मेरे पास कोई व्यक्ति कभी आया मैंने उससे ये नहीं पूछा उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, वो किस क्षेत्र का रहने वाला है। अगर हम राजनीति में आए हैं तो हमारा ये कर्तव्य है, मेरी ज़िंदगी में मुझे 3 चीज़ों ने बड़ा प्रभावित किया और अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो कहीं ना कहीं इसका असर आप पे पड़ेगा। मुझ पर एक बार एक संदेश आया था कि किसी भी आदमी की ज़िंदगी में 3 चीज़ें बड़ा प्रमुख होती हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। भाव का मतलब है अटैचमेंट। अगर कोई व्यक्ति आपसे किसी भाव से मिलने आया, अटैचमेंट से मिलने आया, तो आप भी उसके साथ उसी तरह से बात कर लीजिए। अभाव में आया तो यथाशक्ति जो आपकी हैसियत है उस हैसियत से उसकी मदद कर लीजिए, और प्रभाव में आया तो ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने आपकी हैसियत इतनी बनाई कि कोई आपके प्रभाव में आपके पास आ रहा हो। तो इन 3 नारियों ने मेरे जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन में बड़ा प्रभावित किया और मैं कोशिश करता हूँ कि जो व्यक्ति आए उसको निराश न भेजा जाए, अगर उसका काम हो सकता है तो करें। और यही मेरी सफलता का, मेरे लोगों के बीच में जो मुझे प्रेम मिलता है, मैं समझता हूँ जितना भीड़ 2002 से मेरे पास लोगों की आती है, तिवारी जी कहा करते थे कि सुबोध जी इस राज्य में सबसे बड़ी ओपीडी आपकी है, तो मैं उनसे कहता था साहब मेरी ओपीडी में पर्ची नहीं कटती। तो ये मैं इस चीज़ में एंजॉय करता हूँ कि लोग आए उनका काम करो तो कहीं ना कहीं एक आत्म संतोष मिलता है कि जिस क्षेत्र में मैं हूँ मैंने उस क्षेत्र में ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और ये मेरा प्रयास रहता है। इसलिए घूमने का कभी कभी मुझे एक याद है वाकिया, मेरी बिटिया क्लास थर्ड में थी, बड़ा बेटा फर्स्ट में था और छोटा वाला LKG में था। मैं 16 दिन के राजनीतिक दौरे के बाद जब घर लौटा तो बच्चे टीवी देख रहे थे, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मुझे ये लगा कि ये तुरंत कूदेंगे कि पापा आ गए,
लेकिन जब मैं देखा कि तीनों बच्चों पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो मुझे ये बड़ा अलार्मिंग लगा कि शायद ये बच्चे भूल गए हमारा बाप है, क्योंकि बच्चों को मैं समय दे नहीं पाता था। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को कहा कि भैया मैं 2 बजे रात भी घर आऊँ, जब मुझे जब बच्चों में जब घर पहुँचता था बच्चे सो जाते थे, मैं जब उठता था तो बच्चे स्कूल चले जाते थे, मुलाकात नहीं हो पाती थी, उनका कहीं ना कहीं अटैचमेंट खत्म हो रहा था। तो मैंने वाइफ से कहा कि मैं 2 बजे रात भी हूँ, बच्चा जब स्कूल जाता है तो मुझे उठा दिया करो, मैं गाड़ी तक एटलीस्ट इनको छोड़ने जाऊँगा। हम तो बच्चे मेच्योर हो गए, लेकिन उस समय ये लेकिन क्योंकि मुझे काम में एक बड़ा नशा आदत थी, एक नशा था काम करने का, वो अभी आज भी है। वहीं आपका कोई पसंदीदा संगीत या कोई गाना जो आप? या निश्चित रूप से पुराने गाने किशोर जी के हों या मुकेश जी के हों, मैं जब भी मौका लगता है गाड़ी में गाना लगाता हूँ, क्योंकि मेरा राजनीतिक लोगों की जो नींद है वो हमेशा गाड़ी में पूरी होती है, सफर में पूरी होती है, अन्यथा तो टाइम पे सोना और टाइम पे उठना तो हो नहीं पाता। तो गानों का शौकीन हूँ, सुनने का, गाने का नहीं, गाने सुनने का शौकीन हूँ, और खेल का बड़ा शौकीन रहा, मैं क्रिकेट काफ़ी खेला हूँ, और साथ साथ मुझे बैडमिंटन का बहुत था, इसमें मैं काफ़ी आगे तक चल गया हूँ क्रिकेट और बैडमिंटन में। और इसलिए मुझे एक वाक्य याद आया, जब मुझे कृषि मंत्री बनाया गया था तो क्योंकि मैं कभी भी रूरल बैकग्राउंड में नहीं रहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा, शहरी क्षेत्र में रहा, शहरी क्षेत्रों से राजनीति की, तो जब मुझे कृषि मंत्रालय मिला तो मेरा रिएक्शन छूटते ही था कि क्रिकेट के खिलाड़ी को हॉकी की टीम में डाल दिया, क्योंकि मुझे कृषि क्षेत्र का कोई एक्सपोजर नहीं था जी। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी मिली थी और जिम्मेदारी का निर्वहन सफलता के साथ करना था, तो मैंने अपने विभाग के सारे अधिकारियों को बुला के कहा कि भाई देखो आप सब मेरे टीचर हो जी। मुझे 1 महीने में आपसे पढ़ना है और 1 महीने के बाद PhD कंप्लीट करके आपका हेडमास्टर बनना है, और प्रभु की कृपा है कि आज कम से कम क्योंकि जब से मैं मंत्री बना था ये कृषि मंत्री 2 ही सालों में अवार्ड मिले, तो उसके बाद तो 2 साल तो कोविड खा गया, कोई अवार्ड सेरेमनी हुई नहीं, तो 2 सालों में मुझे 7 अवार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में नेशनल लेवल में मिले। लेकिन कोरोना काल से पहले ही देश में कृषि कानून जो लाया गया तो इसका खुलकर किसानों ने विरोध किया, इसको लेकर क्या मध्य प्रदेश में किसानों ने विरोध किया, बताइए आप बताइए, पूरे देश के किसानों ने कहीं किसानों ने विरोध नहीं किया। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आप याद करिए शुरू में जब ये आंदोलन हुआ तो लगता था कि केवल पंजाब का किसान ही देश में किसान है, बाकी किसान नहीं है, और उसके बाद महाराष्ट्र का किसान जुड़ा। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स में जो ये खाद्यान्न है, इस खाद्यान्न में पंजाब एक्सपोर्ट करने के मामले में पंजाब हरियाणा नंबर 1 है, इसी तरह बागवानी उत्पाद में सब्जियों में और फलों में महाराष्ट्र पूरे देश में एक्सपोर्ट करने वालों में सबसे आगे है। महाराष्ट्र में इस सेक्टर में शरद पवार जी का कब्जा है, पंजाब में इस सेक्टर में बादल फैमिली का कब्जा है, जो भारी कमीशन से, क्योंकि किसान को मजबूरी थी वो अपने राज्य से उत्पाद भाव नहीं दिया सकता था, और वहां पर इन लोगों ने किसान का कहीं ना कहीं शोषण किया। मोदी जी ने जब 1 नेशन 1 मार्केट किया तो किसान को अपने उत्पाद को देश के किसी भी कोने में ले जाने की इजाजत मिल गई। इनको लगा कि अगर किसान, पंजाब का किसान अगर दिल्ली में जाके बेचता है या पंजाब का किसान महाराष्ट्र में जाके बेचता है तो जो इनका साम्राज्य है वो बिखर जाएगा। ठीक यही चीज शरद पवार जी के गुट को लगी और इन लोगों ने किसानों को भ्रमित करके एक आंदोलन चलाने का काम। तो कहने का मतलब है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां किसान बीजेपी के सपोर्ट में है और अन्य जो पार्टी की सरकार है, किसी का सपोर्ट वाली बात नहीं होती। ये आंदोलन केवल कुछ लोगों की जो आर्थिक जो उनकी महत्वाकांक्षा है उसके कारण किसानों को भ्रमित करके चलाया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए हम पिछली बार 57 सीट लाए थे और अब का हमारे जो रणनीति है वो 60+ की है कि हम 60+ को टारगेट को लेके हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राज्य में कांग्रेस की प्राथमिकता खत्म हो गई है, लोग आज हमारे राज्य के लोग आज भी नहीं भूले कि ये वही हरीश रावत हैं जिन्होंने कहा था देश के सामने, लोगों ने देश दुनिया के लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन देखा था कि आप आके मंत्री बन जाओ, 25-30 करोड़ रुपए जो चाहे कमा लो, मैं आके बंद रखूंगा। तो जिस राज्य का चौकीदार खुद राज्य में डकैती डालने के लिए आपको बुला रहा हो, ये लोग भूले नहीं।
तो आज हरीश रावत जी को बड़ी गलतफहमी है, वो पूरी तरह से जनता में बेनकाब हो चुके हैं और कांग्रेस इस समय बजाय जनता से चुनाव लड़ने के अंतर्कलह में इतनी उलझी हुई है कि मैं समझता हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए 60 प्लस के लिए बहुत अनुकूल है। ये बात हुई तो राजनीतिक चर्चा में, लेकिन अब आपके व्यक्तित्व जीवन के बारे में एक और सवाल करूंगी आपसे, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? मैं बहुत सिंपल खाना खाता हूँ, मैं करीबन 47 देशों की मैंने यात्रा की है दुनिया के, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ तो अपना हिंदुस्तानी खाना ढूंढता हूँ, मुझे कॉन्टिनेंटल खाना पसंद नहीं है। ऐसा कोई भी व्यंजन जो आपको सबसे? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और जब मुझे कुछ नहीं मिलता तो मेरा सबसे फेवरेट है आलू टमाटर। मैं जाता हूँ कि भैया आलू टमाटर की सब्जी ग्रेवी के साथ बना दे और दो चपाती खिला दे, मैं उसमें खुश हूँ, पर मुझे कॉन्टिनेंटल खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपसे आखिरी सवाल, जो युवा राजनीति में कदम रखना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश? देखिए युवा, मैं भी छात्र राजनीति से निकला हूँ, दो बातें आज आपको देखनी बहुत जरूरी है, आप जो समझनी चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक आदमी दूसरे को धक्का दे के लंगड़ी मार के आगे बढ़ने का प्रयास करता है और लगातार अपने विरोधी पर कटाक्ष कर करके उसको कमजोर करने का काम करता है। एक व्यक्ति वो है जो अपनी सोच, सकारात्मक सोच के साथ लगातार जनता के बीच में जुड़ के काम करता है और दूसरे की लाइन को मिटाने में अपनी एनर्जी नहीं खत्म करता, अपनी लाइन को बढ़ाने में एनर्जी खर्च करता है। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि पॉजिटिविटी के साथ, एक क्रिएटिव दिमाग के साथ आगे बढ़े और दूसरे की लाइन को मिटाने में अपनी एनर्जी खत्म ना करें, अपनी लाइन काम करते रहिए, आपकी लाइन खुद ब खुद दूसरे की लाइन से बड़ी हो जाएगी और इस सोच के साथ जब वो आगे बढ़ोगे तो निसंदेह जनता आपको प्यार भी देगी, सम्मान भी देगी और एक ना एक दिन आपके संघर्ष को मान्यता देने का काम भी करेगी। इसलिए सकारात्मक सोच, बड़ा लक्ष्य और क्रिएटिविटी की भावना के साथ आगे बढ़ो, कल तुम्हारा है। आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, आपके व्यक्तित्व जीवन के बारे में जानने को लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में पेश होने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनसे हमने राजनीतिक चर्चा की, साथ ही उनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में भी जाना। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी, और आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं। तो पॉपुलर पर्सनालिटी में हम फिर हाजिर होंगे एक नई हस्ती के साथ।